बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। सिटी 10 में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इसी के साथ अब मौसम की अपडेट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। टुडेज़ वेदर शामिल करेंगे। फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा। के हवाले से बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि जो मौसम है वो आबार आलूद रहेगा और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो मौसम है वो रहेगा, लेकिन जो सर्दी की शिदत है उसमें दिन ब दिन जो है उसमें इजाफ़ा होगा। जबकि इस हफ्ते के इख्तिताम तक जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जो कि सर्दी के आने की जो है एक इंडिकेशंस है वो महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की जा रही है। जबकि बारिश के हवाले से बात करें तो कोई ख़ास इंडिकेशंस, कोई ख़ास इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे बारिश के हवाले से, लेकिन आज जो हवा में नमी का तनासुब है वो 70% रहेगा। जी फ़खर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी और देख लेते हैं डेली शरीफ आई टू की आज की हमारी लीड स्टोरी क्या रहेगी। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ ताजर यक जबान, दुकानों को ताले, कारोबार बंद, मुतालिबात ना मानने पर गैर मुयना मुद्दत तक हड़ताल का प्लान। आजादी मार्च लाहौर पहुंच गया, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अल अज़ीज़िया रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा मौतल, 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर। और लारेंस रोड पर कैंची में ड्रेन, सुल्तान रोड इशरा में सर्विस सिस्टम की मंजूरी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ ताजर यक जबान हो गए हैं, दुकानों को ताले लगा दिए गए, कारोबार भी बंद। कल लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज किया गया, हड़ताल की गई, और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं उसमें हु का आलम था। शालम मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट, अकबरी मंडी, सर्कुलर रोड, लंदा बाज़ार, लोहा मार्केट, अनारकली बाज़ार, फिरोजपुर रोड, हाल रोड, माल रोड, बिडन रोड, ये तमाम मार्केट्स कल बंद थी, शटर डाउन हड़ताल थी, और आज भी मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ताजर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते रहे, इसके साथ साथ उन्होंने अपने मुतालिबात भी हुकूमत के सामने रखे कि हम पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर सकें, हम हुकूमत को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह कर सकें और कहीं सेम पेज हुकूमत के साथ ढूंढ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, सेम पेज हो नहीं सका, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट किया गया। और फिर तारीख में पहली बार ये देखा गया कि लाहौर चैंबर ने भी ताजरों का साथ दिया है, और कारोबारी और इसके साथ साथ जितनी भी रोज़मर्रा की सरगर्मियां होती हैं लाहौर चैम्बर में वो भी मुअत्तल रहीं। मुतालिबात ना माने तो गैर मुयना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का प्लान तैयार कर लिया है ताजरों ने, और अगर हुकूमत इनसे मुज़ाकरात पर नहीं आती तो जिम्मेदार कौन होगा। एक दिन, दो दिन कारोबार बंद होने से हमारी मईशत पर, कारोबार पर किस हद तक नेगेटिव असरात पैदा होते हैं ये हम सब जानते हैं, और अगर गैर मुयना मुद्दत तक के लिए हड़ताल गई तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या ये ताजर कबूल करेंगे या हुकूमती अहदेदारान कबूल करेंगे? हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं और कल से मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं हमें, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के अहदेदारान से बातचीत भी कर रहे हैं, बार बार उनके मुतालिबात सामने भी लेकर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद खान। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शहजाद खान हमें ज्वाइन करने के लिए। आज दूसरा रोज है और यक जबान है ताजर तंजीमें। अक्सर ऐसा देखने में आता था ना कि कुछ तंजीमें प्रोटेस्ट कर रही होती थी, कुछ तंजीमें हुकूमत के हक में होती थी, या कहीं कहीं लेवरेज और मार्जिन देना चाह रही होती थी हुकूमत को। इस दफा ऐसा नहीं हुआ, कल हु का आलम था, और आज भी बड़ी मार्केट्स, खास तौर पर वो रिटेल मार्केट्स जिनमें लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती हैं डेली बेसिस पर, वो बंद है। जिम्मेदार कौन होगा शहजाद, आप बताइएगा? हुकूमत तो अभी तक मुतालिबात मानने पर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सिमल, इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि हमने देखा है जो शहर की गुंजान आबाद मार्केट है, जैसे आजम क्लॉथ मार्केट शहर की सब कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, तो अगर आप आम दिनों में जाए तो अब वहाँ पे भी सन्नाटा होता है, वहाँ पे हु का आलम होता है, सैकड़ों जो दुकानदार है उनके किसी इक्का दुक्का के पास ग्राहक होता है। ये वो मार्केटें हैं जो शहर की बिजनेस का हब कहलाती हैं, और जहाँ दिन के औकात में भी तिल धरने को जगह नहीं होती थी। तो आपको सोचें, अगर इन मार्केटों में
ویرانیاں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر کوئی معاشی پالیسیوں میں ایسے مسائل موجود ہیں جس کے باعث بزنس جو ہیں وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اور تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس بات پہ سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی. تاجروں نے اسی غم و غصے کی وجہ سے آج شہر میں ہڑتال کر رکھی. آج ہڑتال کا دوسرا دن ہے اور شہر کے بزنس کا مرکز کہلانے والی جو مارکیٹیں ہیں وہ بند ہیں. آپ کو میں جلدی سے کوئکلی بتاتا چلوں, جو شہر کی آج بڑی مارکیٹیں جو بند ہیں اس میں اشرا بازار, فیروزپور روڈ بورڈ کی 48 سے زائد مارکیٹیں, اس کے علاوہ اعظم کلاس مارکیٹ, انارکلی بازار, مال روڈ, سرکلر روڈ کی 40 مارکیٹیں, میڈیسن مارکیٹ, موچی گیٹس, کلونا مارکیٹ, شالم مارکیٹ, رنگ محل, سوا بازار, بیتن روڈ, میکلور روڈ, موٹر سائیکل مارکیٹ, سلائی مشین مارکیٹ, برانڈت روڈ مارکیٹ, رحمان گلیاں, نولکھا, لنڈا بازار, اسٹیل شیل مارکیٹ, لوہا مارکیٹ, مستری شاہ, لوہا مارکیٹ, بادامی شاہ, بادامی باغ, اس کے علاوہ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ, شو مارکیٹ, بلال گنج مارکیٹ, منٹ گمری مارکیٹ, یہ مارکیٹیں بدستور بند ہیں. اور شہر میں زرعی اجناس کی سب سے بڑی اکبری منڈی بھی جو ہے وہ بند ہے. اس کے علاوہ کیمیکلز مارکیٹیں بند ہیں, حفیظ سینٹر بند ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیجیے, وہ چاہے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, گاڑیوں کے آٹو پارٹس ہیں, وہ موبائل فون کی ایسیسریز یا موبائل فونز ہیں, کمپیوٹر ایسیسریز ہیں, میڈیسنز ہیں, کیمیکل ہیں, اور آپ نے صحیح کہا اکبری منڈی کا بھی اگر ذکر کریں تو زرعی اجناس کی, یعنی کہ کسی بھی چیز کا نام لے وہ تمام کی تمام منڈیاں بند ہیں. کیا کوئی ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو اس ہڑتال کو کے حق میں نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر میں کل 6 تاجر تنظیمیں اس وقت جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جن میں 3 انجمن تاجران ہیں, انجمن تاجران نئی میر گروپ ہے, خالد پرویز گروپ ہے, اشرف بٹی, اس کے علاوہ قومی تاجر اتحاد, پاکستان ٹریڈر الائنس, لاہور بزنس مین فرنٹ, پروگریسو گروپ, یہ 6-7 تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور یہ تمام کی تمام ایک پیج پر نظر آئی ہیں. اور پہلی مرتبہ لاہور چیمبر کی جانب سے بھی اس ہڑتال کی کھل کر حمایت کی گئی ہے. لاہور چیمبر کے صدر نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اور حکومت سے یہ استدعا کی, یہ مطالبہ کیا کہ آپ تاجروں کی بات ضرور سنیں, کیونکہ جب کاروبار چلیں گے تب ہی جو وہ ریٹ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا شہزاد, یہ تو تازہ ترین صورتحال ہو گئی, یہ بتائیے گا کہ اصل مطالبات ان کے ہیں کیا, تحفظات کیا ہیں؟ کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہڑتال کی کال دی جاتی ہے, واپس لے لی جاتی ہے, ملک بھر سے تاجر تنظیموں کے سربراہ اسلام آباد جاتے ہیں, حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرتے ہیں, بٹ کیا وجہ بنتی ہے کہ کوئی سیم پیج پر نہیں آ پاتا؟ ان کے کون سے تحفظات ہیں جو حکومت دور نہیں کرنا چاہ رہی؟ ان کے جو بنیادی طور پر مطالبات ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شناختی کارڈ کی شرط کا اطلاق کیا گیا ہے اس کو فلپور ختم کیا جائے, کیونکہ گاہک جو ہیں وہ سامان تجارت خریدنے سے کترا رہے ہیں. جب سے یہ بجٹ آیا ہے 2019 کا, تب سے لے کے آج تک تاجر جو ہے وہ بلبلا رہے ہیں. دوسرا عام یہ مطالبہ ہے کہ تاجروں پر چونکہ کاروبار آج کل اچھے نہیں ہیں, کاروبار کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس لیے ایک فکس ٹیکس سکیم کا اجرا کر دیا جائے تاکہ ٹیکس بھی تاجر ادا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار ہے وہ بھی چلیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرن اوور ٹیکس کا ورکنگ کیپیٹل ہے اس کی لیمٹ آپ 15 کروڑ تک کر دیں, وہاں 15 کروڑ پر 0.1 ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ تاجر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اور جو تاجر ویلتھ اسٹیٹمنٹ اپنی شو کرتا ہے اس کو پینلٹی چارج نہ کی جائے, پچھلے سالوں کے کھاتوں میں ان کو نہ الجھایا جائے, ان پر آڈرس دوبارہ نہ لٹکائی جائیں کہ بزنس کو گرو کرے, کیونکہ بزنس اس وقت مسلسل ڈکلائن کے اندر ہے. تو یہ 3-4 بیسک مطالبات ہیں جو گزشتہ 3-4 مہینوں سے تاجر چل رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شہزاد, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ سے میں اس حوالے سے مزید بھی بات کرنا چاہوں گی. لیکن دوسرے مزن مجھے آپ کو سروسز اسپتال سے ہمیں جوائن کیا ہے ہماری رپورٹر سعدیہ خان نے. سعدیہ خان, بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے, میڈیکل بورڈ کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے, میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ جی ہاں سمل, آج 9 دن ہو چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ سروسز اسپتال میں زیر علاج ہیں, اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ دن رات ان کی میڈیکل رپورٹس کے بعد ان کا علاج معالجہ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے یہ چلوں کہ ان کو پلیٹلیٹس کی وجہ سے جلایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کو دل کے عارضہ بھی ہوا اور گردوں میں بھی ان کو کال بھی ان کو پین گردوں میں ہوئی, اور اس کے ساتھ ان کو بلڈ پریشر اور شوگر کا بھی مسئلہ ہے. آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی, تو آج بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد جو ہے وہ 28,000 ہے, اور سنڈے کے روز جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی تعداد جو تھی وہ 45,000 تھی, جو کہ کم ہو کر سوموار کے روز 25,000 رہ گئی. کل کے دن کی رپورٹ بتائی گئی ہے, اس میں ان کی تعداد جو ہے پلیٹلیٹس کی وہ 28,000 بتائی گئی. ابھی صبح تک کی جو اپڈیٹ ہے
उसमें भी यही बताया जा रहा है कि 28,000 जो है उनकी प्लेटलेट्स की तादाद है और आज 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है उनकी तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हो चुकी हैं उनका जायजा लेगा, उसके बाद कुछ और टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे और उनके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे उनको भी 7 रोज हो चुके हैं, 7 दिन से उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि उनकी जो प्लेटलेट्स हैं उनमें जो कमी हो रही है उसको बैलेंस किया जा सके। तो संडे के रोज के बाद जो है ऐसा उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ। 25,000 सोमवार के रोज जो है 28,000 तक पहुंचा, आज बुध है और आज भी जो है अकाउंटलेस जो है वो बताया ये जा रहा है कि जी 28,000 है। अभी उनको दांत में भी तकलीफ जो है बताई गई कि उनके दांत में भी तकलीफ थी जिसकी वजह से अभी डॉक्टर्स उनके दांत का भी मुआयना कर रहा है, उसके साथ साथ आज फिर कुछ टेस्ट जो हैं वो उनके किए गए हैं जिसके बाद आज फिर जो है डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा और उनकी तमाम पुरानी रिपोर्ट्स और आज की रिपोर्ट्स के बाद जो है हतमी फैसला देगा कि इनको मजीद किस किस्म का इलाज जो है वो चाहिए। और फिल वक्त जो है उनका 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है उनका मेडिकल रिपोर्ट्स भी देख रहा है, उनका तिब्बी मुआयना भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की, तो सबसे हमने देखा है कि यहाँ पर कारकुन जो है वो नवाज शरीफ के हक में नारे लगाने के लिए और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर सर्विस अस्पताल के बाहर पहुँच चुके हैं। कल भी उन्होंने नवाज शरीफ की सहयाबी के लिए सदका दिया, आज भी जो है वो दुआएं मांग रहे हैं और यहाँ पर इवन के कुरान खानी भी करवाई गई है और यहाँ पर साबिक वजीर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। और सबसे ज़्यादा तश्वीशनाक सूरत हाल ये है कि कारकुन काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है वो शो कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि 9 रोज़ हो चुके हैं साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, कल उनकी 8 हफ्तों के लिए सजा मौतल हुई, तो उनको बेहतर इलाज के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए या उनको बिरौने मुल्क जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो कुछ तश्वीश का इजहार कर रहे हैं कि जिन साथियों ये भी तो कहा जा रहा है कि उनके बैरूने मुल्क के सफर में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उनकी अपनी ही हेल्थ है। 28,000 प्लेटलेट्स के साथ हवाई सफर जो है वो खतरनाक हो सकता है और इस हवाले से जो सफर है वो मुआलजीन की इजाजत से भी मशरूत कर दिया गया है, इस तरह की क्लैरिफिकेशन भी आ रही थी। जी बिल्कुल सिमल, आपको बताती है चलूं कि उनको सिर्फ कोई एक मर्ज नहीं है, उनको प्लेटलेट्स की वजह से आया गया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पर दिल का दौरा पड़ा और जब उनको मेडिसिन दी गई तो उनको किडनी की तकलीफ भी हुई। डॉक्टर्स ने ये बताया कि अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो इस सूरत में वो उनको दिल की अद्वियात जो है वो नहीं दे सकते और उसके साथ अगर किडनी जो है वो भी उनकी अफेक्ट है तो उनको उसकी भी मेडिसिन उस तरह से वो नहीं दे सकते क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर का भी मसला है। बात करते हैं अगर तिब्बी माहरीन की, तो उनका यही कहना है कि उनकी जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा तश्वीशनाक है क्योंकि उनको एक मर्ज के साथ दूसरा मर्ज जो है वो भी सामने आ रहा है जिसकी वजह से उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खराबी महसूस की जा सकती है। आज जैसे उनको दांत का दर्द हुआ, उसके साथ साथ कल भी उनको गुर्दों की तकलीफ रही, परसों के रोज़ भी हमने देखा कि उन्होंने गुर्दों की तकलीफ की शिकायत की और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर और शुगर जो है उसका भी मसला सामने आया। तो डेफिनेटली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो ओवरऑल सेहत की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है और डॉक्टर जो हैं डेली बेसिस पर उनके तिब्बी मुआयने भी कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो माहरीन चेक कर रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ किस्म के जो है आज भी डेंटल सर्जन ने उनका चेकअप किया है, उनके दांतों का मुआयना किया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा सादिया ये बताइएगा, क्या लीगी रहनुमाओं को मिलने की इजाज़त दी जा रही है मियां साहब से, या जो लोग उनकी अयादत के लिए आ रहे हैं उनको उनसे मिलने की इजाज़त दी जा रही है? क्योंकि इससे कबल तो ऐसा था कि MS ऑफिस में तासुरात की किताब रखी गई थी और सिर्फ अहले खाना को मिलने की इजाज़त दी जा रही थी। जी हाँ, कल भी जो है साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और उनकी वालदा की मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ के साथ हुई, तो कल जो है हमने नहीं देखा कि कोई अहम शख्सियत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर आई हो, क्योंकि कल वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत पर जो है वो केस की हेयरिंग हो रही थी जिसकी वजह से सारे वहाँ पर बिजी थे। आज के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि मरकज़ी क़यादत जो कि यहाँ पर आए और मीडिया से गुफ्तगू भी करेगी और उनकी सूरत हाल जो उनकी सेहत की सूरत हाल है उनके हवाले से जो है वो डॉक्टर से मशवरा भी करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल जो है आज जो है सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन यहाँ पर मौजूद है, जबकि अभी कोई अहम शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका, सर्विसेज अस्पताल से आप हमें अपडेट कर रही थी। और हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज़ादी मार्च लाहौर पहुंच गया, जगह जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया गया,
हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे बुलंद किए गए। आपको बताएं जे यू आई एफ ए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUP और दीगर जमाती रहनुमा जो है वो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, फिर बाकायदा गुलपाशी जो है वो भी मुसलसल की जाती रही। इस वक्त हमें फाहद भट्टी ने ज्वाइन किया है, न्याजी अड्डे चौक पर मौजूद हैं वो। उनसे जानते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आज एक्सपेक्टेड है आज़ादी मार्च लाहौर से रवाना होगा और इस्लामाबाद पहुँचेगा। फाहद बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कब तक एक्सपेक्टेड है आज़ादी मार्च जो है वो लाहौर से अब ट्रेवल शुरू करेगा। जी, आज़ादी मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज़ादी मार्च जो गुज़िश्ता रात लाहौर पहुंचा था, उसका काफिला उसने मीनार पाकिस्तान की जो पार्किंग है आज़ादी फ्लाई ओवर के नीचे, वहां पर जो है वो उसके शुरका ने रात गुजारी। कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे, अलबत्ता मसनूई तौर पर कुछ कैंप लगाए गए थे शुरका के लिए कि वहाँ पर ये लोग रात गुजार सकेंगे, मगर वो कैंप भी जो है वो थोड़े पड़ गए और जो शुरका है उन्होंने आज़ादी फ्लाईओवर के नीचे जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वहीं पर रात गुजारी। उनको बिस्तर फराहम किए गए इंतजामिया की जानिब से। अभी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इंतजामिया के लिए सुबह सुबह इंतजामिया की जानिब से सुबह सुबह जो यहाँ के शुरका हैं आज़ादी मार्च के, उनके लिए नाश्ते का अहतमाम किया गया, जबकि मतवक्के ये है कि 11 बजे तक जो है आज़ादी मार्च जो है यहाँ से शुरू होगा मीनार पाकिस्तान के अहाते से, पार्किंग से, और उसके बाद जो है आज़ादी फ्लाईओवर से होता हुआ बत्ती चौक जिसे न्याजी चौक बोला जाता है, उसके बाद शादरा की जानिब जो है वो रवा दवा होगा। न्याजी चौक बत्ती चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर जो जमीयत अहले हदीस है उसकी जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं इंतजामिया के, अहले हदीस के, और यहाँ पर जो स्टेज बनाया गया है मतवक्के है आहमद मौलाना फजलुर रहमान की 11 से 12 बजे के दरमियान वो यहाँ पर पहुँचकर अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। इंतजामिया की जानिब से अभी तक ये बताया जा रहा है कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, मुख्तलिफ छोटे छोटे काफलों की शक्ल में कारकुनान मीनार पाकिस्तान के अहाते की जानिब पहुँच रहे हैं, जहाँ पर जो पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर तमाम शुरका जो है वो रुके हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं काफलों की सूरत में। जो न्याजी चौक है यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप के साथ साथ एक स्टेज भी बनाया गया है ताकि मौलाना फजलुर रहमान जिनकी आमद मतवक्के है और ये भी साथ ही साथ मतवक्के है कि यहाँ पर पहुँचकर वो खिताब भी करेंगे अपने कारकुनान से, और उसके बाद जो है वो काफिला रवा दवा होगा आज़ादी मार्च का शादरा की जाने। जी अच्छा फाहद, ये बताइएगा कल रात जो इस्तकबाल किया गया बड़ी डिफरेंट जमातों की तरफ से, और उनमें सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ही है जाहिर है लाहौर में अगर हम बात करें, तो कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे और आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं उनके लिए कल खाना भी फराहम किया गया, गुलपाशी भी की गई और फिर मौलाना ने खताब भी किया, अपोजिशन लीडर्स भी कुछ अपोजिशन जमातों के लीडर्स भी उनके हमराह मौजूद थे स्टेज पर। जी, गुज़िश्ता रात जब आज़ादी मार्च का काफिला बरास्ता ठोकर से लाहौर के अंदर दाखिल हुआ तो मुल्तान रोड से होता हुआ जो है वो बंद रोड, और बंद रोड से होता हुआ आज़ादी फ्लाईओवर के करीब पहुंचा तो जो आज़ादी मार्च का रास्ता था, जो उसका रूट था, वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए गए थे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी जानिब से जगह जगह कैंप लगाए गए थे जिन्होंने इस्तकबाल किया, फूल की जो पत्तियां हैं वो भी निछावर की, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमा उस कैंप में मौजूद थे और जगह जगह पर जो है कारकुनान नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे थे। एक बहुत अच्छा इस्तकबाल हमें देखने को आया, मगर दूसरी जानिब अगर बात की जाए पुलिस की और सिक्योरिटी की और उसके साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी प्लान तश्कील देना था वो हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस की जानिब से अभी तक कोई खातिर का इंतजाम नहीं किया गया सिक्योरिटी के लिए। आज़ादी मार्च के अंदर हज़ारों लोग जो है वो शरीक हैं और इस तरह जब एक बड़ी गैदरिंग होती है तो सिक्योरिटी खदशात की वजह से प्रॉपर एक निज़ाम बनाया जाता है सिक्योरिटी का पुलिस की जानिब से, मगर वो निज़ाम हमें कहीं नज़र नहीं आया, कोई सिक्योरिटी हमें नज़र नहीं आई आज़ादी मार्च के शुरका के लिए, और ना ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया है, क्योंकि आज़ादी मार्च ने पड़ाव किया है जो आज़ादी फ्लाईओवर है उसके नीचे जो ग्रीन बेल्ट है और उसकी जो पार्किंग है वहाँ पर, और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पर आज़ादी मार्च के शुरका की गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, मुख्तलिफ काफले जो आ रहे हैं। तो आपने ये बताया कि आप करीबन 11 से 12 बजे के दरमियान जो है ये काफिला अब दोबारा रवाना होगा और रावी रोड से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। जी सिमल, अपना सवाल जो है वो दोबारा जरा रिपीट कीजिए। आपने ये बताया कि 11 से 12 बजे के करीब अब ये आजादी मार्च दोबारा रवाना होगा और रावी रूट से होता हुआ फिर शादरी की तरफ जाएगा और फिर इस्लामाबाद की तरफ अपने रूट पर गामजन होगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक आमद मतवक्के है मौलाना फजलुर रहमान की, जो यहाँ पर पहुंचेंगे अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। रावी रोड पर 11 से 12 के दरमियान जो टाइम बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, यही कि 11 से 12 के दरमियान जो है वो आज़ादी मार्च शुरू होगा, जो काफिला है वो रवा दवा होगा, आज़ादी फ्लाईओवर से रावी रोड बत्ती चौक के करीब पहुंचेगा। यहाँ पर पहुंचकर मतवक्के है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने शुरका से खिताब भी करेंगे, उसके बाद जो है वो काफिला रावी रोड से होता हुआ शादरा, शादरा से जीटी रोड से होता हुआ मुरीद के गुजरावाला से इस्लामाबाद की तरफ जो है वो गामजन होगा। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे आपसे, वक्तन हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले हम मोबाइल रेट्स शामिल कर लेते हैं। ऑल दो मार्केट्स आज बंद हैं लेकिन कीमतें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं और कुछ प्लान अप कर रहे हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A10s जो है वो आपको मिलेगा 22,500 में, Huawei Y6 Prime 2018 18,999 rupees, Vivo V17 Pro 66,999 rupees, और ओप्पो रेनो 2F 59,999 रुपए। शहर भर में लगे हुए सेल्स और प्रमोशंस की हम बात कर लेते हैं बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है अर्बन सोल। अर्बन सोल पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है डाइनर्स। डाइनर्स पर फ्लैट 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। इंजन पर फ्लैट 50% तक आपको ऑफ मिले। और वसीनों पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कारफोर अगर आप जा रहे हैं तो देखते हैं प्रमोशंस पर आज कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है जी रोज पेटल मल्टी कलर, रिटेल प्राइस है 180, प्रमोशन प्राइस है 150, आप 30 रुपीस बचा सकते हैं। और जिलेट मार्च 3 रेजर, रिटेल प्राइस 400, प्रमोशन प्राइस 30, आप 70 रुपीस बचा सकते हैं। और अब आज के भाव शामिल करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इछरे में मौजूद हूँ और अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी नहीं देखी जा रही। और अगर सबसे पहले बात की जाए सरकारी नरफरामे के हवाले से, जो कि मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया जाता है, उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां हो या कोई और भी अशिया ज़रूरिया हो वो फरोख्त नहीं की जाती। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक सब्ज़ी फरोख जो है वो मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि जो सरकारी नरफरामा है उसके मुताबिक सब्जियां क्यों फरोख्त नहीं की जाती। सर जी असल में ना मंडी में जाते नहीं है, ये रेटल लिस्ट वाले जो रेटल देते हैं ना वो बैठे दफ्तरों में बैठे होते हैं, उनको पता नहीं मंडी में क्या भाव बिक रहा है। ये मटर है 11-12 सौ रुपये दड़ी मंडी में बिकते हैं, इधर रेट दे दिया 170 रुपये 180 रुपये, अब 240 रुपये ला के हम 180 रुपये कैसे बेच सकते हैं।
ये उनके बैठे बैठाए सारा कुछ कर देते हैं, देखते नहीं है मंडी में क्या हो रहा है। दुकान हमारे पास आ जाते हैं, हमें जुर्माना 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार जुर्माना करके चले जाते हैं। मंडी में जाएं, मंडी में देखें क्या भाव है, आगे फिर रेट दें, उसके मुताबिक हम बेचें तो ठीक है। कोई उम्मीद है कि सब्जियां जो हैं इसकी कीमत कम होगी आने वाले दिनों में? अभी मौसम जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ऐसे ऐसे ये सब्जियों के रेट भी कम आ रहे हैं। देखें आज काफ़ी फ़र्क था मंडी में, मंडियों में काफ़ी फ़र्क था, नीचे आ रही हैं। जैसे जैसे अब मौसम चेंज होगा ये फोई को होगा तो रेट नीचे आ जाएंगे। जी जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे सब्जी फरोश जो है वो मौजूद था, उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत की जाने हुकूमत ने या मार्केट कमेटी ने अगर सरकारी निर्खामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख करवानी है तो सबसे पहले जो मंडियाँ हैं वहाँ पे कीमतों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो सरकारी निर्खामा उसके मुताबिक सब्जियों की फरोख मुमकिन नहीं हो सकती। अगर आज कीमतों की बात की जाए तो प्याज जो है वो 80 रुपये तक फरोख किए जा रहे हैं, इस तरह से मटर की अगर बात की जाए तो मटर जो है वो 240 से 250 रुपये तक फरोख किए जा रहे हैं। अदरक की कीमत जो है वो अगर उसकी बात की जाए तो 350 से लेकर 400 रुपये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम शहरियों को आम सार्फीन को महंगाई के इस दौर में किसी हद तक रिलीफ मिल सके। जबकि इसके साथ साथ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की नस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इस हवाले से भी शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम मुर्गी की कीमत को कंट्रोल करे ताकि आम शहरी जो है वो मुर्गी का गोश्त खा सकें। हसन बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ आज के भाव की तरफ चलेंगे और मीट रेट शामिल कर लेंगे। बीफ जो है वो आपको मिलेगा 570 रुपीज़ पर केजी और बीफ मिंस जो है वो आपको मिलेगा 750। मटन आपको मिलेगा 1578 में, मटन मिंस जो है वो आपको मिलेगा 1670। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 161 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 233 रुपये। इसी के साथ अंडों की कीमतों पर नजर डाल लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एहतजाजों का सीजन चल रहा है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तबकाते ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें मेजर अगर मैं बात करूं तो वो दो रोज़ा ताजर तंजीमें जो हैं वो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स भी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस भी एहतजाज कर रही है, आज़ादी मार्च भी चल रहा है, अपोजिशन की जमातें भी एहतजाज कर रही हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे ताजर तंजीमों के एहतजाज के हवाले से, जिससे कल सारा दिन लाहौर समेत मुल्क भर की तमाम मार्केट्स बंद रहीं और आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है। मुतालबात क्या हैं ताजरों के? पहली बार ऐसे हुआ कि तमाम ताजर तंजीमें जो हैं वो यकज़बान हो गईं और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल और स्ट्राइक पर उतर आईं। ऐसे में तारीख में पहली बार हुआ, लाहौर चैम्बर ने भी खुलकर हिमायत की इस एहतजाज और हड़ताल की। बारह मीटिंग्स हुई हुकूमती नुमाइंदों के साथ, मुख्तलिफ़ अहदेदारान के साथ, FBR के साथ, मशीर खजाना के साथ, लेकिन कुछ फ्रूटफुल नतायज नहीं निकल सके, कुछ सेम पेज पर नहीं आ सके। वजूहात क्या है इस पर हम बात करेंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर चीफ ऑर्गेनाइजर वदूद अलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। थैंक यू। दो रोज से हड़ताल, आज दूसरा रोज है और आज भी शहर की बड़ी मार्केट जो है जहाँ पर इतना कारोबार होता है कि नॉर्मल दिनों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन कुछ 8-6 महीने से उसमें वाज़े तौर पर फर्क आ रहा है और आज तो हुका अलग है, मार्केट्स बंद है, क्या कहेंगे आप? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इशू यही है कि सबसे पहले 13 जुलाई को हमने हड़ताल की थी, मुतालबात उस वक्त भी यही थे। उसके बाद जो ये बजट आया है, मिनी जो इस वक्त जो हमारा मेन बजट है, इसके करीब 100 के करीब तरामीम की गई हैं और सारी की सारी तरामीम यकमुश्त की गई हैं। इसमें हमारे बेशुमार तहफ़ात हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड की शर्त है, इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स का मामला है, 4.5% आप विदहोल्डिंग एजेंट बना रहे हैं, आप सेल टैक्स की यानी कि इसमें अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करेंगी तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को बिल्कुल परेशान कर देती हैं। सपोज शेड्यूल थ्री के जो दुकानदार हैं उनके पास, उनको सेल टैक्स पहले ही लग के आता है, तो गवर्नमेंट कहती है आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। एक दुकान है, छोटा दुकानदार है, वो इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकता, उसकी सेल टैक्स के वकील को फीस दे, फिर वो अपना अकाउंटेंट रखे, फिर वो अपनी चीज़ों को यहाँ संभाल के रखे, फिर अगर गलती हो जाए तो FBR का मुजरम भी करार दे।
हमने ये कहा है कि सेल टैक्स आप एट सोर्स खरीदें, जो मैन्युफैक्चर है या इंपोर्ट की सतह पर, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है, ठीक है। हमारे मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये 1 जुलाई से शुरू। अच्छा, ये जो अभी आपने एग्जांपल दी, मैं इसी में एक सवाल, एट सोर्स अगर सेल्स टैक्स कर देंगे तो वो तो ऑलरेडी है भी, तो क्या गवर्नमेंट ये कह रही है कि दोबारा से सेल्स टैक्स भी दिया जाए या रजिस्टर किया? कह रही है कि बेशक आपने सेल टैक्स नहीं देना, देना भी नहीं उसने, लेकिन आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होकर आप हमें उस सेल की रिपोर्ट दें, ठीक है, रिकॉर्ड फराहम करें, रिकॉर्ड फराहम करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दुकानदार के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इतने पेचीदा मसाइल को समझ सके, ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे कोई ना कोई कहीं ना, अच्छा फिर ये इसमें ये है कि अगर 15 दिन में आपने वो ना दिया तो आपको 5,000 रुपये जमाना हो जाएगा। फिर इसमें ये है कि जो आपको माल देगा वो 4.5% आप उसका विदहोल्ड करेंगे, ठीक है, वो विदहोल्डिंग एजेंट बनेगा, ठीक है, तो वो विदहोल्डिंग एजेंट कैसे बन सकता है? फिर मार्केट में उधार के मसाइल होते हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं। तो असल इशू ये है कि इस इशू को एड्रेस नहीं किया जा रहा। बेसिकली हुकूमत की, हम ये कहते हैं, ये बड़े आराम से ये बात कहती है, हुकूमत का इसमें नहीं है, FBR एक हुकूमत का इदारा है। जब स्टेट आपको हम ताजर हैं, हमारे ताजर, ये आज देखें कल पूरा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बंद था, लाहौर की छोटी सी छोटी मार्केटें, बड़ी से बड़ी मार्केटें, और ये पहली हड़ताल है जिसमें किसी भी और ताजर तंजीम की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। इवन देन जो आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि लाहौर चैम्बर ने भी इसकी हिमायत की, हम इसका भी खैर मकदम करते हैं, नई मिड ग्रुप की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया था, जो आज से 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एक ताजर कन्वेंशन हुआ था, तारीख में सबसे बड़ा ताजर कन्वेंशन हुआ था इस्लामाबाद में, उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए, इन्होंने नहीं माने। अब इसके बाद अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन ये नहीं मान रहे। मसाइल ये हैं कि इन्होंने कल की हड़ताल हो गई है, मुश्तरक का नुकसान हुआ, कोई ताजर भी खामखा हड़ताल नहीं करना चाहता, ये इंतहाई कदम होता बिल्कुल है। बिल्कुल सही वदूद साहब, देखिए ना, रोज कोई अपना कारोबार बंद करना बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता, और अगर कारोबार बंद होता है तो ना सिर्फ ताजर तंजीमें, जो ताजर बरादरी है, उनका कारोबार मुतासर होता है, बल्कि उनके कारोबार से मुंसलिक जो डेली वेजेस के मजदूर हैं, जिनकी दिहाड़ी लगती है, खरीदो फरोख का एक पूरा सिलसिला होता है जिसका बहरहाल इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता ही है, क्योंकि वो जो सेल्स परचेज होती है वो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही होती है। अगर ये मार्केट्स बंद रहेंगी, हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, तो जाहिर है हालात खराब होंगे। आज भी नईम मीर साहब अभी ही ऑन हिज वे टू इस्लामाबाद, जहां पर उनकी मीटिंग होगी। अब गवर्नमेंट के असल में पॉइंट्स क्या हैं, वो क्या चाहती है, जो आप लोग सेम पेज पर नहीं आ रहे, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजरान लाहौर वदूद अलवी साहब मौजूद हैं। वदूद साहब, कल ये भी बात आ रही थी कि मुशावरत की जा रही है ताजर तंजीमों में, शायद तूल ना पकड़ जाए ये हड़ताल अगर गवर्नमेंट बात सुनने में नहीं आती है। अभी जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, ताजर तंजीमों के सरबराह वहाँ गए हैं, नई मीर साहब भी वहीं पर मौजूद हैं, कुछ उम्मीद है हुकूमत से? मैं आपको बताता हूँ, कल भी एक मीटिंग हुई है वजीर खजाना के साथ, मशीर खजाना के साथ मीटिंग, जो वो बिल्कुल ही उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा देखिए, 13 जुलाई से लेके ये आज हम 27-28 अक्टूबर तक आ गए हैं, इसमें 2.5 माह का जो अरसा गुजरा, 30 अक्टूबर तक आ गए हैं, तो इसमें 2.5 माह में सिर्फ मुज़ाकरात ही हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इन मुज़ाकरात में मैं इसको अगर ये बात बताऊं कि ये संजीदा नहीं है, इनकी संजीदगी का मसला है, ये इस मसले को हल करना चाहते नहीं हैं अपनी हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर। मिसाल दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कहते हैं कि आप FBR वाले कहते हैं कि आप विदहोल्डिंग टैक्स भी काटें, आप 500 शनाख्ती कार्ड भी हमें ला के दें, आप पूरा डाटा मुरतब करें, यानी कि वो चाह रहे हैं कि FBR के हम बिला, यानी कि बगैर तनख्वाह के मुलाजम बन जाएं, ठीक है। ये ताजरों के लिए मुमकिन नहीं है, छोटे ताजर जो फॉर एग्जांपल 50,000 प्लस की परचेज करते हैं, उनके आईडी कार्ड्स बड़े ताजर संभाल के रखें और बाय द एंड वो FBR को जमा भी कराएं और उनका जमा भी अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, उसका जिम्मेदार भी वही चार्जर होगा जिसने शनाख्ती कार्ड दिए। अच्छा, अगर कोई फेक शनाख्ती कार्ड देता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। एक ताजर आता है, उसने 50,000 रुपये की चीज ली है, किसी ने फ्रिज लिया है, कोई चीज ली है, वो हमें शनाख्ती कार्ड गलत दे देता है, कल को वो मैच नहीं होता, ठीक है, तो हम तो रिकॉर्ड में है ना, वो तो चला गया बंदा पैसे दे के, ठीक है, उस रिकॉर्ड को भी हमने ही तस्दीक करवानी है, उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। तो इसकी अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या दी जा रही है ताजरों की तरफ से, क्या करे हुकूमत? देखिए जी, इसकी अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि ये फिक्स टैक्स का निजाम लाएं। हमारा बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जो भी ताजर, छोटा ताजर है जिसकी 10 करोड़ से कम सेल है, उसको फिक्स टैक्स पे लेके आए,
ठीक है, बाकी जो ये सारे जो मसाइल हैं ये छोटे ताजर के लिए ही हैं। लेकिन सर बातचीत तो हुई ना, बहुत दफ़ा ये खबर भी आई कि फिक्स टेस्ट सिस्टम ला रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसी खबरें भी मैंने खुद ही हमले पढ़ी भी हैं, आपने भी देखा है जब ताजर तंजीमें जो हैं वो हड़ताल मौखर कर देती है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनकी बात मानने पर आ जाती है, फिर क्या वजह है ऑन रिकॉर्ड आकर क्यों नहीं बात मानी जाती? देखिए यही तो प्रॉब्लम है हमारा, हम ये कहते हैं कि हम टीवी टॉक शो के बैठ के और प्रेस लीजिए जाली प्रेस लीजिए जारी करके ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं, हालांकि एक बात भी उन पूरे चार्टर ऑफ डिमांड में एक बात भी FBI ने आज तक नहीं मानी। जब देखा कि लोग हड़ताल पर जा रहे हैं तो उन्होंने ये अंदिया दे दिया कि जी वो शरारतीकार की पाबंदी खत्म कर रहे हैं। भी शरारतीकार की पाबंदी खत्म करनी है आपने, अगर आपने ताजरों के मजाक करने हैं तो आपकी BCO मीटिंग हो चुकी है, या तो करनी है तो या नहीं करनी, इंडिया दे दिया, ये सारी चीजें ताजरों को आपस में लड़ाने की और डीमोटिवेशन लाने की। बिल्कुल सही, लेकिन वदुद साहब एक दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि मुल्की इकोनॉमी मुल्की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, लाहौर ही की बात करें तो बड़ी मार्केट्स लाहौर में, शालम मार्केट का आप जिक्र करें, जो आजम क्लॉथ मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, अकबरी मंडी की आप बात कर लें, ऑटो पार्ट मार्केट बंद है, हाल रोड, माल रोड, बिडन रोड, इचरा, तमाम बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं। अब मुल्क को जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी 200 बिलियन रुपीज की पूरे पाकिस्तान में अगर एक दिन की हड़ताल हो तो आपकी सर्कुलेशन रुकती है, ठीक है, जब आपकी और सर्कुलेशन बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। देखें एक ये जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्शन नहीं आगे सेल चीज़ें नहीं होंगी तो वो प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, ठीक है, ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, ये हुकूमत का ये इसमें बराह रास्त हुकूमत मुलव्वस है। हुकूमत हम ये कहते हैं अदारे बेहतर हों, अदारे जो है ना ये परफॉर्म करें, बिल्कुल ठीक बात है अदारे परफॉर्म करें, लेकिन अगर अदारे को शिकायत है और अदारा हमारी शिकायत नहीं सुन रहा तो हमने तो हुकूमत के पास लेके जाना है, हमारा जो इख्तियार है हमने अपना इख्तियार तो इस हुकूमत को दिया हुआ है, अगर वो अपने इख्तियार को इम्प्लीमेंट नहीं करती, अपने इख्तियार को वो यूज़ नहीं करती और उस अदारे के पीछे छुपने की कोशिश करती है तो ये हम समझते हैं कि हुकूमत की नाहली है और हुकूमत इसको जानबूझकर इस काम को ठीक नहीं करना चाहती, वरना अगर ये करना चाहे तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये आप कहते हैं कि अक्सर ये सवाल आता है कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज ताजरों को भी करना पड़ेगा, ये बात आप समझते हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग कारोबार कर रहे हैं लेकिन टैक्स नेट की रेशियो को अगर कंपेरिजन किया जाए लोग रजिस्टर नहीं होना चाहते, विदहोल्डिंग टैक्स की मद में कितना रिएक्शन आया ये भी आप जानते हैं, वो सही है गलत है एक अलग बहस है, लेकिन ताजरों को रजिस्टर होना चाहिए, फाइलर होना चाहिए, अपने टैक्स जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ पे करने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस तो गलत इसमें नहीं है। इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है, ताजरों की ये मिसपरसेप्शन है जो दिया जाता है कि ताजर टैक्स नहीं देना चाहते, मैं कहता हूं लोग भी ये कहते हैं कि ताजर बार बार इसलिए हड़ताल पर चले जाते हैं शायद वो टैक्स नहीं देना टैक्स देना नहीं चाहते, FBR टैक्स लेना नहीं चाहती। देखिए मेरी बात सुने, ताजर जो दुकानदार है वो किसी उसको अगर रीजनेबल कुछ चीज बताई जाए, मिसाल के हमने तजावीज दी हैं, इन्होंने कहा जी कि आप टर्नओवर के ऊपर 1.5% दें, हमने कहा 1.5% तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है आप इसको 0.25 पे ले आए, हम तो ये नहीं कहा। देखें अगर 1 बिलियन रुपीज की ट्रांजेक्शन हो रही है एक ताजर के पास, उसके पास उस पर 0.5% उसका प्रॉफिट है तो वो 1.25% किस तरह दे सकता है सेल का, ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ये इस तरह के जो मामला हैं ये इनकी फास्ट ट्रांजेक्शन होती है और उसमें टर्नओवर का हमारा हमने उसको अल्टरनेटिव दिया है कि आप कह रहे हैं 1.5%, हम कह रहे हैं 0.25%। FBR की भी बहुत शिकायत है ताजर बिरादरी से जिसमें स्मगलिंग के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो रोकना तो गवर्नमेंट का काम है लेकिन बहुत से ताजर खुद भी मुलव्वस होते हैं और उस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, इसमें मैं एक बात बताऊं कि आप स्मगलिंग को बॉर्डर्स पे क्यों नहीं रोकते, एक ट्रक चलता है चमन से वो लाहौर तक आ जाता है, जब लाहौर में वो 50 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं मुख्तलिफ दुकानदारों के पास आ जाता है तो आप दुकानदारों को गरीब आदमियों को दुकानदारों को आप नोचते हैं कि ये आपका माल कहाँ से आया, हालांकि ये पता होता है कि ये कहाँ से चला है कहाँ से नहीं चला, तो उस कभी आज इन्होंने दुकानदारों के खिलाफ तो कार्रवाई की है, आज तक इन्होंने जो एहलकार इसमें मुलव्वस होते हैं FBR के भी और ये कस्टम के भी कभी आज तक उनको भी पकड़ा किसी को, कभी आज तक सजा हुई है, जब ये यकतरफा ट्रैफिक है कि सिर्फ ताजर को ही मुद्दा ठहराना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुकूमत को कहीं ना कहीं मेजर स्टेक होल्डर्स जो कि ताजर बरादरी है उनसे मुशावरत के बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा, अदरवाइज अगर ये हड़ताल इसी तरह से कंटिन्यू रही तो यकीन जानिए छोटे से छोटे लेवल पर अगर सोचे तो उस मजदूर का क्या होगा जो रोज की दिहाड़ी लगाता है इन मार्केट्स में, और बड़े से बड़े लेवल पर सोचे तो मुशत का क्या होगा, इन द एंड कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें वो क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए, ये यकीन करें कि
ताजर क्यों हड़ताल पे जा, आपको एक मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ताजर हड़ताल पे क्यों जाते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो हड़ताल पे जाते हैं, जब उनको शदीद तरीन प्रॉब्लम होती है, उनको पता बिजनेस पहले ही 40-50% बिजनेस मार्केट में कम हो चुका है, हमारा टोटल जो हमारा टोटल इकोनॉमी का साइज है वो $230 बिलियन था, जो इस वक्त $180 बिलियन पे आ गया, ये इतना शॉर्टफॉल जो हुआ है, तो इसी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को अभी भी यानी कि मुज़ाकरात करके इस मसले को हल करना चाहिए, मुल्की मोशर के लिए बेहतर ये है कि गवर्नमेंट इस मामले को सॉल्व करे। बिल्कुल सही, वदूद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फावरी के लिए। और नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक खाने पीने के हवाले से है। आजकल बड़े ज़बरदस्त डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, डिफरेंट कुजींस बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। सो अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो फेवरेट मेन्यू आपका जो भी है मेहमानों के मुताबिक डिपेंड करता है, उसको डिसाइड करने के लिए उसमें आप क्या एडिशनल चीज़ें कर सकते हैं, जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत माइनर होती हैं डिटेलिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं और बड़ा मज़ा आता है, फिर उन दावत में चार चांद भी लग जाते हैं, ऐसी एक्सपर्टीज़। और फिर आपको पता ना, हमारे ख़ानदानों में और फ्रेंड्स में तो बड़ी ये बातें होती हैं कि ओहो लड़की तो बहुत सुगर थी, ओहो खाना तो बड़ा अच्छा था, दावत तो बड़ी मज़ेदार थी। सो ट्रेंडिंग कुजींस क्या चल रही हैं और छोटी छोटी टिप्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। कल एक्सपर्ट हमजा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। इतने दिनों बाद आप सबसे मिलके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि हम चूंकि अब थोड़ा न्यूज सेट पर हैं, किचन तो नहीं शामिल कर सकते, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज बातें जरूर शामिल कर रहे हैं हम। ट्रेंडिंग कुजीन क्या चल रही है आजकल, क्योंकि अभी शादियों के सीजन के फौरन बाद दावतों का सीजन। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सर्दियां आ गई हैं, सबसे पहले फिश, a lot of mutton shanks, mutton lawazma, मतलब ऐसे खाने जिनको टाइम लगता है बनने में, जिनमें एफर्ट जाता है, आप वो खाएं, उनको आपको तैयार करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। देखिए खाना सेलिब्रेशन है, फूड इज सेलिब्रेशन, तो हमें खाने को एक सेलिब्रेशन करना चाहिए, जिस तरह कोई दावत रख लें वीकेंड्स पे, कुछ भी आप इस तरह करें। और मेरे साथ मौजूद है हमजा। अच्छा, हम दावतों की बात कर रहे हैं, पहले तो बड़ा एक सादे डोंगों में रखकर दावत कर दी जाती थी, अब प्रेजेंटेशन और कलनरी पर बड़ा खाना इतना ट्रेंड कर गया है, हमारे कलनरी स्कूल्स बन गए हैं जो खवातीन पढ़ लेती हैं, बाद में लड़कियों को शॉर्ट कोर्सेज कराती हैं, खाना पहले से भी ज्यादा मेजर हो गया, बहुत मेजर हो गया, बेकिंग सीख रहे हैं, एग्जैक्टली डिजर्ट्स में एक्सपर्टीज ले रहे हैं, और यस होम बेस्ड बिजनेसेस लोगों ने खोल लिए हैं, जो आपको सिखाते भी हैं, आपको भेजते भी हैं, खाना बना के डिलीवर भी करते हैं। तो इस टाइम खाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेंडिंग चीज इस टाइम हमारे यहाँ खाना है। पर अब देखें हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें खाने को मॉडिफाई करके खाना है, जिस तरह के आप देसी घी और तले हुए खाने और बटर और ऐसे हाई फैट सैचुरेशन जिन चीजों में हो फैट की, आप उनको अवॉइड करके हेल्दियर चीजें भी खाएं, बैलेंस आउट करें अपनी डाइट को आप विद ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड यू नो lighter food and steamed and baked chicken and white meats aur jo aapko healthy lifestyle bhi deta hai once in a week aur kabhi daawat pe aap enjoy bhi kare paaye nihariyan you know chicken and creamy sauces that should be once in a week yes, ye continue nahi hona chahiye। acha hamza presentation ke upar main aa rahi thi ki presentation ke upar bada focus kiya jata hai even with those people jo jinhone koi course nahi bhi kiya hota they try ki wo kuch na kuch kyunki hamare food channels aa gaye hain jis tarah mere jaise log aake channels pe sikha dete hain kuch na kuch ho jata hai to sabko ek kahin na ki trigger kar jati hai ye cheez तो लोग बनाते हैं एंजॉय करते हैं अच्छा प्रेजेंट करते हैं। अगर खाना थोड़ा मॉडरेटली भी टेस्ट कर रहा हो तो अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए बड़े प्लेटर में आ जाए अच्छी तरह सजा दिया जाए तो वो खाने में ऑटोमेटिकली एक ओवरऑल एक अपील आ जाती है उसमें और खाने में वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। अभी आपने जिक्र किया होममेड बिजनेसेस लोगों ने शुरू कर लिए हैं और वो होममेड खाने आपको बनाकर इवन छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी डिश भी आप बनवा के फ्रॉम पंजीरी टू कच्चे कोफ्ते टू पेरी बाइट्स टू एवरीथिंग आपको अब मिल जाता है। इट्स जस्ट अ कॉल अवे। एक नहीं, मेरे इतने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इतनों की अम्मियां जो फारिग हो गई हैं और लड़कियां भी यंग, दे आर डूइंग केक्स बेकिंग घर से, इतना कुछ कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव के मुआशरा एक पॉजिटिविटी खाने की वजह से खाने को साथ लेते हुए
معاشرہ بدل رہا ہے, مطلب وومن امپاورمنٹ, دس از وومن امپاورمنٹ کہ جہاں پہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں گھروں سے بیٹھ کے اپنے کمفرٹ زون میں پراپرلی ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. تو یہ کھانا حمزہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنی روایات کو کہیں تھوڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ لاہوری آپ کو پتا نا دیسی کھانوں اور فوڈ کے لیے بڑا مشہور ہے, اگر ہم انگلش پریزنٹیشن اور انگلش فوڈز کی طرف نہیں نہیں آپ دیکھیں ہم نے کتنا سکھایا ہے اپنا, ہم ایک شو میں جس میں ہم کوزین کرتے تھے پاکستانی اور اس کو ہم مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتے تھے, تو ہم اپنے آڈینس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں ان کے لیے کر رہے ہوتے تھے. تو آپ اپنی لوکل کھانے کو بھی بہت اچھی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ بات ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں لاہوریوں کے لیے کہ ابھی بھی لاہوری برگر سے زیادہ پائے, نہاری, چنے شوق سے کھائیں گے. شوق سے کھاتے ہیں بریانی, بیسیکلی تو کراچی کی ہے لیکن لاہور کی اتنی مشہور ہے. ایگزیکٹلی, وہ اب تو لاہور میں ایسے ہو گیا ہر اینٹ کے بعد آپ کو ایک بریانی کی جگہ مل جاتی ہے. تو یہ بس یہ سلسلہ ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈیزرٹس کی طرف اگر آپ, بالکل آج کل کوئک ریسیپی ڈیزرٹس کون کون سے چل رہے ہیں, کوئی ایک ریسیپی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آج کل ایک بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹریلیشی کیک, اٹس سٹریس لیشز اس کو یہاں کہا جاتا ہے. وہ ایک کیک ہوتا ہے جس کو آپ تین قسم کے ملک میں سوک کرتے ہیں, اٹس ایویپوریٹڈ ملک, فریش ملک اینڈ کنڈینسڈ ملک. تو آپ ان تینوں ملکس کے اندر اس کو سوک کرتے ہیں, اوپر سے کریم کی ٹاپنگ کرتے ہیں, اینڈ یو سرو اٹ وتھ فروٹس, چاکلیٹ ساس اور دی وے یو وانٹ اٹ. اب اس سے زیادہ میں نے اس کیک کے بارے میں بات کی تو میرے منہ میں پانی آ جائے گا, کیونکہ میرے منہ میں آلریڈی پانی آ رہا ہے. لیکن دیکھیے کوئی بھی دعوت, کوئی بھی کھانا, کوئی بھی میل آپ کی ڈیزرٹ کے بغیر کم نہیں ہوتی ہے, اور اتنی چھوٹی چھوٹی مزے مزے کی ریسیپیز ہیں کہ ایون آئی کین میک دیم. تو پھر جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو پھر کیا ہی بات ہے, اور جو گھر میں کھانا بناتے ہیں, میرے لیے جن کو کھانا بنانا آتا ہے وہ سب کے سب ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی محنت اس میں کر رہا ہوتا ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ حمزہ, تھینک یو فار بینگ ود اس آفٹر سو لانگ, اور آئی ایم شیور کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو رہا ہوگا. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.